जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निश्चित नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार की वैशाली की, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से बयान देकर के कहा गया है कि अगर बिहार में गलती से भी महागठबंधन की सरकार आ गई तो जितने भी आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर के साथ साथ आतंक प्रभावित इलाकों से किया जा रहा है उन तमाम लोगों को बिहार में पनाह दी जाएगी और बिहार आतंकवाद की नई प्रयोगशाला हो जाएगा। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि मौजूदा जो महागठबंधन है बिहार में, सत्ता में आने के लिए आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान से भी समझौता कर सकता है। क्या कुछ कहा नित्यानंद राय ने, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। वैसे लोग जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है। सत्ता कितनी लोलुपता है, हम तलवार से भी लड़ते हैं तो हाथ से भी लड़ते हैं, हथियार से भी। हमारे देश की सेना सीमा की सुरक्षा करती है तो हाथ से भी सीमा की सुरक्षा करती है। हथियार चलाने की पाबंदी लगी थी दुनिया के समझौते के अनुसार, तो हाथ को हथियार बनाकर चीन को छक्का छुड़ा दिया है। अभी अभी देश की सेना क्या करते हैं मन्नार के भाई बहनों, लाज मत लेना रघुवंश बाबू भेस लाए और मदन मोहन ठाकी, लाज मत लेना अपने प्रधानमंत्री गृह मंत्री और रक्षामंत्री की। अगर अगर पड़ोसी दुश्मन अगर हम पर निगाह उठाएगा तो हम राफेल से लड़ लेंगे, लेकिन वो राफेल से लड़ने की ताकत जो मिलती है वो आप सब से मिलती है। प्रधानमंत्री जी की ताकत को, रक्षा मंत्री गृह मंत्री जी की ताकत को कमजोर मत वैशाली के भाई और भारत के माथे पे लगाया हुआ लगा हुआ कलंक 370 धारा समाप्त हुआ, 35 ए समाप्त। समय मिला है, इसी में मैं अपनी बात संक्षेप में खत्म करना चाहता हूँ। ये